फैक्ट नंबर वन, पपुआ न्यूगिनी के लोग कलिंगारा जैसी एक डरावनी रस्म निभाते हैं। इसमें शरीर को डिजाइन बनाते हैं जिससे वह निशान जीवन भर रहता है। फिर आत्माओं के घर नामक रस्म में इंसान को आत्माओं के घरों में 2 महीने तक छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उनको मर्द बनाने की परंपरा निभाई जाती है। फिर बाद में शरीर पर बांस की लकड़ी से छोटे निशान बनाए जाते हैं। यह निशान इस समुदाय के मर्दानगी को दर्शाता है। फैक्ट नंबर टू, आप लोगों को सुनकर हंसी आएगी कि मेडागास्कर में किसी के मरने के बाद जश्न जैसा माहौल रहता है। थामा डिहाना, जिसे डर्निंग ऑफ द बोन्स भी कहते हैं, इस रस्म में लोग दफन शव को निकाल कर उनकी यात्रा निकालते हैं। इस रस्म में लोग नाचते गाते हैं। अजीबोगरीब परंपरा को 2 से 7 साल के आसपास किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, अमेरिकी एयरलाइंस के इतिहास का पहला और आखिरी व्यक्ति है जिसकी पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि उसने अमेरिकी एरोप्लेन को हवा यानी ऊपर ही हाईजैक कर लिया और $2,00,000 के साथ जहाज के उतरने से पहले ही पैराशूट लेकर वह कूद गया।